हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज बनाती हूँ मैं गर्मा गर्म नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ सूजी के कटलेट। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं 4 आलू बॉईल करे हुए और आधी कटोरी मैंने ले ली है सूजी। तो इसको पहले मैं कद्दूकस कर लूँगी। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डाल दूँगी मैं आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच डाल दूंगी मैं जीरा पाउडर, आधा चम्मच डाल दूंगी मैं लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डाल दूंगी मैं गरम मसाला पाउडर और एक बड़ा चम्मच डाल दूंगी मैं चाट मसाला पाउडर। अब मैं एक चम्मच से थोड़ा कम डाल दूंगी मैं काला नमक और छोटा चम्मच थोड़ा सा चुटकी दो एक दो चुटकी डाल दूंगी मैं इसमें काली मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं रखूंगी कढ़ाई। कढ़ाई ले ली है मैंने। कढ़ाई को ऑन कर दिया मैंने, गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें डाल दूंगी मैं एक चम्मच सरसों तेल। मैंने एक बड़ा चम्मच तेल मैंने गर्म कर लिया है। अब इसमें डाल दूंगी मैं हरी मिर्च और इसमें एक चम्मच डाल दूंगी मैं अदरक कूटा हुआ एक चम्मच, इसको मैंने पीस लिया था। अब इसको मैं ये हमारा पक चुका है, इसमें एक चुटकी डाल दूंगी हींग और थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ डाल के मिक्स अच्छे से चला लूंगी। अब इसमें मैंने डाल देना है जो मैंने पेस्ट बनाया था आलू का। इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। नमक मैंने काला नमक ही डाला है तो इसलिए थोड़ा ही डालूंगी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस इसको अच्छे से मिला लूंगी। अब इसमें कर दूंगी मैं सूजी मिक्स। जो सूजी मैंने ली थी इसको मैंने इसमें मिक्स कर देना है। अब इसको अच्छे से पका लूंगी इसके साथ। ये हमारा पक चुका है। अब मैं इसको गैस को मैं ऑफ कर दूंगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है ये आलू और सूजी। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी इसका आया है। तो अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं गर्मा गर्म कटलेट। मिक्सर हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैंने हाथों में लगा लिया तेल। अब इसको मैं इसकी शेप बनाऊंगी। इसकी कोई सी भी शेप बना सकते हैं आप, गोल या ओवल शेप, कैसे भी जैसे आपको अच्छे लगते हैं अब बना सकते हैं। जैसे मैं सारे इसके गोल गोल शेप में बना लूंगी इसके कटलेट। कटलेट को मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कोई मैंने ओवल शेप में बनाए हैं और आधे मैंने गोल शेप में बनाए हैं। तो अब हम इनको अब करेंगे फ्राई। तो उसके लिए मैं तेल रख दूंगी गर्म होने के लिए। तो चलो इनको फ्राई करते हैं। कढ़ाई को मैंने ऑन कर दिया है। अब इसको गर्म कर लूंगी। तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है।
तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी कटलेट। तो एक एक करके मैं इसमें कटलेट डालती जाऊंगी। अब मैं इसको हल्का ब्राउन होने तक पकाऊंगी। इसको मैंने सेम गैस पर ही पकाना है, फुल पे नहीं पकाऊंगी, क्योंकि अगर फुल पे पकाऊंगी तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। इसको पलट देंगे। रेडी हो चुके हैं कटलेट, आप देख सकते हैं। इसको हम निकाल लेंगे, 2 से 3 मिनट इसको पकने में लगेंगे। अब ऐसे ही हम दूसरे जो बचे हैं वो भी डाल देंगे अपने। पका लूंगी, इसको भी मैं ब्राउन होने तक पकाऊंगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे और कितने क्रंची बन रहे हैं ये मैंने बनाया है। देखो ये अच्छे से ये इजीली टूट जा रहा है, बहुत सॉफ्ट बनते हैं ये और बहुत टेस्टी भी होते हैं खाने में, बच्चों को बड़ों को बहुत टेस्टी लगते हैं ये गर्मा गर्म। आप भी बनाएं एक बार, ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर। मीडियम फ्लेम पर ही पकाऊंगी मैं, मीडियम फ्लेम पर पकाने से ये बहुत क्रंची बनेंगे। ये हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप इसको 1 मिनट के लिए हम फुल फ्लेम पर रख देंगे ताकि इसमें अच्छा सुनहरा कलर आ जाए। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हमारे, अब गैस को कर देंगे हम ऑफ। देख सकते हैं आप इतना अच्छा कलर इसका आया है, बहुत क्रंची बने हैं। जितने क्रंची ये बाहर से बने हैं उतने ही अंदर से सॉफ्ट हैं, खाने सकते हैं आप। बहुत गर्म है ये, देखो इतना क्रंची बने हैं ये। अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। गरम कटलेट बिल्कुल तैयार हैं, आप टेस्ट करें और मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हाँ उसके साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।